ऊपर वाला सब देख रहा है। अक्सर इस लाइन के जरिए हमको ये समझाया जाता है कि ऊपर से ईश्वर सब कुछ देखता है, वो नज़र रखता है। ये दिखाया जाता है, ये बताने की कोशिश होती है कि आसमान में कहीं ईश्वर रहता है, आसमान से और ज़्यादा ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्ग है, वहाँ देवताओं का दरबार लगता है। ये हमको कहानी बताई जाती है, अक्सर पेश कर दिया जाता है हमारे सामने। और सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बल्कि आप देखेंगे इस्लाम में जन्नत वहाँ है, या जीसस जो हैं वो भी आप देखेंगे, ईसाई क्रिश्चियनिटी है, वो भी ये बात को दावा करती है कि कहीं ऊपर जो है वो भगवान ईश्वर रहते हैं। और ये हम मान भी लेते हैं बहुत बार, लेकिन अब ये तो साफ हो गया कि आसमान में कुछ नहीं है, आसमान से बाहर अंतरिक्ष में भी कुछ नहीं है, पृथ्वी से आप जब बाहर जाते हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं है। और इस बारे में नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, वहाँ जो अंतरिक्ष में अनुसंधान करती है, नासा की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊँ इस बारे में। नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, नासा ने अपने बहुत बड़े टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की जो हैं तस्वीरें ली हैं, जो मिल्की वे है, गैलेक्सी है, उसकी तस्वीरें जारी की हैं। और वह तस्वीरें देखने में बहुत खूबसूरत हैं, किसी पेंटिंग जैसी हैं। लेकिन इन तस्वीरों में जितनी खूबसूरती मुझे आकर्षित कर रही है, मुझे एक बात ने और आकर्षित किया, वो ये कि इन तस्वीरों में मुझे कहीं पर भी ईश्वर नज़र नहीं आए, मुझे कहीं पर भी देवी देवता नज़र नहीं आए, या जो दूसरे धार्मिक मान्यताओं के प्रतीक हैं वो भी हमें वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो अंतरिक्ष में ईश्वर का ठिकाना नहीं है, वहाँ पर कोई स्वर्ग या जन्नत नहीं है, देवताओं का दरबार नहीं लगता है। ये इस बात पर अब और मुहर लग गई है। दुनिया की सबसे बड़ी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो उसकी तस्वीरें हैं उसको देखने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं रहता है। ऊपर भी ईश्वर नहीं है, नीचे भी नहीं है, धरती पर भी नहीं है, हम कहें इस दुनिया में, इस पूरी की पूरी जो अंतरिक्ष है उसमें ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो इन तस्वीरों से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आप पहले कहते थे बादलों में कहीं पर रहते हैं देवी देवता। आप देखें भारत के जो टीवी सीरियल्स हैं वो किस तरह के दिखाते हैं कि देवी देवता आसमान में उड़ रहे हैं, वहाँ पर जो हैं देवताओं के दरबार सज रहे हैं, अप्सराएं डांस कर रही हैं, फूल बरसा रहे हैं। लेकिन आसमान में जब हम हवाई जहाज में जाते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं बादलों के ऊपर, कितने हज़ार किलोमीटर तक का सफ़र करते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर का ऊपर हम जाके सफ़र करते हैं, और जहाज से जब आप विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको सिर्फ बादल नज़र आएंगे, धुएं का गुब्बार जैसा नज़र आएगा, लेकिन ईश्वर या स्वर्ग वहाँ पर भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप देखें पहले के ज़माने में लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे पूर्वजों को बेचारों को, जो कम पढ़े लिखे लोग थे या जिनको शिक्षा हासिल नहीं करने दिया गया, उनको बोल दिया गया ऊपर ईश्वर है, वो सब देखता है, सजा देगा, ईश्वर नहीं, ये सब वर्ण व्यवस्था बनाई है, ईश्वर नहीं तुमको गरीब बनाया है, तुम ये तुम्हारा नसीब है, ईश्वर सब देख रहा है, उसको चैलेंज मत करो, आसमान में वो बैठा हुआ है। लेकिन हम जब हवाई जहाज में जाते हैं तो हमको नज़र आता है कि बादलों में कोई ईश्वर नहीं है, वहाँ उसका घर नहीं है। अब पृथ्वी से बाहर, जब आसमान से बाहर भी हम गए अंतरिक्ष में, वहाँ पर भी ईश्वर नहीं मिले। ये जो गैलेक्सी की मिल्की वे की जो तस्वीरें हैं ये जो सामने आई, इसी से ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर भी कोई ईश्वर नहीं मिला और अंतरिक्ष में कहीं उसका अस्तित्व नज़र नहीं आता। अब देखिए चांद को ईश्वर की तरह पेश कर देते हैं, मान्यताएं हैं, वो कह देते हैं कि ईश्वर का ही रूप है चांद, वो भी एक देवता है। लेकिन चांद पर भी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, उन्होंने उनके साथी के साथ वो गए थे, यानी इंसान चांद पर पहुंच चुका है, जब वो उतरे तो उन्हें वहां पर भी ईश्वर नज़र नहीं आया। और कितने सारे हमने वहां पर मिशंस भेजे हैं, सैटेलाइट्स भेजी हैं, रोवर भेजे गए हैं, लेकिन ईश्वर का कोई वहाँ पर अस्तित्व नज़र नहीं आया। मंगल को भी ग्रह मान के पूजा करने का काम किया जाता है, डराया जाता है कि मंगल की गति उस तरफ जारी है, शनि ग्रह उस तरफ जा रहा है, ये दान कर दो वो कर दो भला हो जाएगा। लेकिन मंगल पर भी हम गए, भारत भी गया, भारत ने भी अपना मंगल यान वहाँ पर भेजा, फेल हो गया लेकिन भेजा, बाकी लोगों के भी वहाँ पर गए हैं। तो कुछ वहाँ पर ईश्वर की कोई आकृति, कोई ऐसा स्वरूप, कोई घर, उनका कोई वहाँ पर जन्नत जिसे हम कहें, स्वर्ग कहें, वो नज़र नहीं आया। तो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि ऊपर रहते हैं, अंतरिक्ष में हैं। और आप कथाएं देखेंगी, खासकर जो हिंदू मान्यताएं कथाएं हैं वो क्या कहते हैं, जो वामन अवतार हैं, कि उन्होंने एक पग पे पृथ्वी को नाप लिया, एक पग पे अंतरिक्ष को नाप लिया, पाताल लोक को नाप लिया,
और आप देखिए, अब वो कहाँ हैं, अब वो नहीं आपको नजर आते हैं। और फिर हमारे जो मूल निवासी सिद्धांत है वो कहते हैं कि राजा बलि की पूरी संपदा को कैसे हड़प लिया, ऐसी कहानियों के जरिए वो हमको समझना होगा। अंतरिक्ष में कहीं पर भी कुछ, आसमान में कहीं पर भी कुछ नहीं है। ये भी मान्यता है कि एक देवता का नाम लेकर कहा जाता है कि उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुंह में पूरा अंतरिक्ष नजर आया, सारे ग्रह नजर आए। लेकिन आप देखिए, अभी तक जो गैलेक्सी के बारे में जानकारी है वो ये बहुत सीमित जानकारी है। खुद जो स्पेस एजेंसीज है वो कहते हैं कि अभी तो उसके बहुत सारे, इतना बड़ा है, इतना विस्तार है कि अभी तो बहुत सारे मिल्की वे तक हम पहुंचे नहीं हैं, तो वो सब कैसे किसी के मुंह में समा सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। और हमको ये भी बोल दिया जाता है ना कि जब भूकंप आता है कि क्या होता है कि एक बैल है, उसके बैल के सींग पर, एक सींग पर जो है वो पृथ्वी टिकी हुई है, या फिर शेषना के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। और जब वो बैल थक जाता है और पृथ्वी के भार से, बोझ से जब वो परेशान हो जाता है, तो उसको उछाल के दूसरे सींग पर ले जाता है। और जब वो उछालता है तो उस गति में जो कहीं की ट्रिबुलेंस होता है वो, उससे भूकंप आ जाता है। ये कहानी भी हमको सुनाई जाती है शेषनाग के फन पर। लेकिन आप अंतरिक्ष में जाएं, कितनी सारी वीडियो तस्वीरें बाहर आई हैं और लाइव ट्रांसमिशन वहां से चलता रहता है, टेलीकास्ट होता है, जब स्पेस वॉक करते हैं लोग वो भी हमको मिलता है जानकारी। पृथ्वी दिखाई देती है, उसके नीचे ना शेषनाग नजर आते हैं, ना ही कोई बैल नजर आता है। तो ये गप जो है वो ये कल्पनाएं उनकी झूठ साबित हो जाती हैं यहाँ पर, ये भी हमको समझना चाहिए। और ये भी मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों को ऐसे चीज़ों को डरा के, ईश्वर के नाम पर या इन सब के ग्रह के नाम पर, उनकी चाल दिशा के नाम पर कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है। ब्राह्मणवादी किस तरह से हमारे लोगों को ठगते हैं वो भी हमें समझना चाहिए कि उस ग्रह की चाल ऐसी है, उसको हम यहाँ से नियंत्रित कर देंगे। आप जो हैं यहाँ पृथ्वी पर बैठ के, अपने घर में बैठ के पड़ोसी का कुछ सामान हिला नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं मैं यहाँ से मंत्र मारूंगा और वो ऊपर जाके ग्रह की दिशा बदल देगा, मतलब चाल बदल देगा। ये इससे बड़ी गप और क्या होगी। अगर किसी ग्रह को आप देखेंगे, ग्रह जो गैलेक्सी है उसमें हर एक ग्रह की अपनी एक गति है और वो सब एक दूसरे को पूरक की तरह काम करते हैं, पूरा अंतरिक्ष किस तरह से फंक्शन करता है, अगर एक भी ग्रह की चाल बदल जाती है, थोड़ी वो दिशा बदल लेता है, तो आप देखिए चांद, पृथ्वी, सूरज, ये जो है इनके बीच में जब पृथ्वी या चांद आ जाता है तो ग्रहण, जिसको हम कहते हैं ग्रहण लग गया, तो छिप जाता है और उसके फिर असर भी होते हैं, प्राकृतिक असर भी होते हैं। तो अगर कोई ग्रह अपनी चाल दिशा बदल ले तो उसका पूरी दुनिया पर, अंतरिक्ष पर उसका असर पड़ेगा और उसके समंदर में ज्वार भाटा आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, कई तरह के उसके प्राकृतिक कारण हैं उसमें। कोई ये कि कहें कि कोई चमत्कार या फिर कोई दैवीय शक्ति है, वैसा नहीं है, उसके वैज्ञानिक कारण हैं जो ये सब होता है। तो वो जो पंडित पुजारी कहते हैं कि हम बदल देंगे ग्रह की दिशा, कुछ नहीं बदलने वाले, यहाँ से बैठ के वो कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर आप यहीं से सारी, वहाँ की चांद पर क्यों इतने करोड़ों रुपए कि आप मिशन भेज रहे हैं, मंगल पर क्यों इतने करोड़ों के मिशन भेज रहे हैं, आप यहीं से मंत्र मारिए, वहां से मिट्टी उठा के ले आइए, यहां हम जांच पड़ताल कर लेंगे और वो पैसा भी बच जाएगा, आप यहीं से सब कुछ बता दीजिए। लेकिन वैसा नहीं है, झूठ बोलते हैं, गप बोलते हैं। और मुझे मतलब भाषा पर भी एक ऐतराज है, मतलब ब्राह्मणवादियों ने जो भाषा बनाई है, आप देखिए वो क्या कहते हैं अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड। जो ब्राह्मणवादियों की जो भाषा की जो मोनोपली है, किस तरह से इन्होंने भाषा का भी ब्राह्मणवादीकरण कर दिया है, वो अंतरिक्ष को कहते हैं ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्मा की नाम पर वो, उसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को रचा, मुँह से ब्राह्मणों को पैदा किया, भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया, यहाँ जांघों से जो है वो वैश्य समुदाय को पैदा किया, और पैरों से शूद्रों को पैदा किया। ये गप जो है उनकी कि उन्होंने वहीं से वो सब किया, ब्रह्मांड इसलिए कहलाता है। लेकिन आप देखिए कि ये ब्राह्मणवादी कैसे संस्कृति को कब्जा कर लेते हैं, अपनी भाषा में, अपने प्रतीकों में कैसे अपनी विचारधारा को थोप देते हैं। उसका नाम हिंदी में ब्राह्मण के नाम पे, ब्राह्मणवाद के नाम पे ब्रह्मांड कर दिया। इसलिए हमको अंतरिक्ष शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्राह्मणवादी जो परंपरा का ब्रह्मांड शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अंतरिक्ष गैलेक्सी इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए कि जब रेनबो बनता है बारिश के मौसम में, जब सात रंग बिखर जाते हैं, रेनबो बनता है, बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, इंद्रधनुष। यानी बारिश के जो देवता हैं इंद्र, वो उनका वो तीर है, उनका तीर कमान है, ये भी गप है।
कि कैसे इन्होंने उसमें जोड़ दी वो कहानी कि इंद्र का वो धनुष है, आप बताइए उसे कैसे कोई तीर चलाएगा, वो तो एक प्राकृतिक क्रिया है, वो नेचुरली वो बनता है, उस वो किसी का धनुष नहीं है। उसका नाम इन्होंने कैसे ब्राह्मणवादी संस्कृति से इंद्रधनुष कर दिया, इसलिए रेनबो शब्द का इस्तेमाल होता है। उर्दू में धनक कहते हैं, धनक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंद्रधनुष तो मैं उसको नहीं मानता। और वो कहते हैं बारिश का देवता है, तो वो इतने किसान मर जाते हैं सूखे में, वहाँ पर आपके देवता बारिश को नहीं करते, उनको सोचना चाहिए। और ऊपर चले गए तो वहाँ जन्नत नहीं है, देवराज इंद्र का दरबार नहीं है, कोई ईश्वर हमको नज़र नहीं आता, कोई उस तरह की वहाँ पर शक्तियाँ नज़र नहीं आती, ना दूसरे धर्मों के जो प्रतीक हैं वो नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर अंतरिक्ष में आसमान में ईश्वर नहीं है, वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का सबूत है, नासा की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो इस बात का सबूत हैं। हमें पाखंड से बचना चाहिए, ऐसे जो पाखंड के जरिए हमको मूर्ख बनाने का काम करने वाले लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। हमें अपने आसपास वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना चाहिए, विज्ञान पर हमें भरोसा करना चाहिए, और अपने बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से परवरिश में उनको मदद करें, उनको समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे विज्ञान काम करता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, सूरज की क्या संरचना है, कैसे हमारी गैलेक्सी में अलग अलग जो ग्रह हैं वो फंक्शन करते हैं, वो वैज्ञानिक तर्क और कहीं की लॉजिक लगाकर उनको बताना चाहिए, ना कि उनको देवता की उनको सूरज को कोई देवता निगल गया, वहाँ से इंद्रधनुष बन गया, उन्होंने धनुष चला दिया, उन्होंने बारिश कर दी, एक पग से उसको नाप लिया, ग्रह की दिशाएं बदल दी, ये जो गप है इनसे हमें सावधान रहना चाहिए, हमें बचना चाहिए। भारत का संविधान हमें वैज्ञानिक व्यवहार को, मनोदिशा को बढ़ाने का, यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने का उसको एक जिम्मेदारी नागरिक ड्यूटी के तौर पे हमको देता है कि आपकी सिविल ड्यूटी है, आप बतौर नागरिक भारत के आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए वैज्ञानिक अपने अंदर दृष्टिकोण लेके आए, उसको आगे बढ़ाएं और ऐसी गप से सावधान रहें। तो मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और क्योंकि पुराने ज़माने में लोग आसमान में नहीं जा पाते थे, उड़ते नहीं थे, हालांकि पुष्पक विमान उड़ जाते थे, लेकिन वो अब क्यों नहीं उड़ते ये भी सवाल है। तो वो हमको बेवकूफ़ बना लेते थे, लेकिन अब हम आसमान में भी जा रहे हैं हवाई जहाज़ में बैठ के, और रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं, गैलेक्सी में भी जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें वीडियो हम देख रहे हैं, और हमको ये पता चलता है कि वहाँ पर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, गप है कोरी, इससे हमें बचना चाहिए। जो ईश्वर को मानता है वो उसमें अपनी आस्था रखें, लेकिन हमें उससे बचना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। इस मसले पर, इस बातचीत पर आपका क्या कहना है, जो नई तस्वीरें आई है नासा की उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें, और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है दोस्तों, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।